नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने दमोह वासियों के लिए एक संदेश देते हुए कहा कि आज मैं चुनाव प्रचार के लिए रोड शो के माध्यम से दमोह में आपके बीच आ रहा था, लेकिन कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, संकट विकट है, मुझे कई व्यवस्थाओं का निर्माण करना है, लोगों के प्राण बचे इसके लिए ऑक्सीजन इंजेक्शन की व्यवस्था आवश्यक है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि इन व्यवस्थाओं में लगा रहूं और आज आपके बीच चुनाव प्रचार के लिए नहीं आ पाऊंगा। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताए, मैं दमोह के संपूर्ण विकास का आपको वचन देता हूं। भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। दमोह विधानसभा के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आज मैं चुनाव प्रचार के लिए रोड शो के माध्यम से दमोह आपके बीच आ रहा था, लेकिन कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, संकट विकट है, मुझे कई व्यवस्थाओं का निर्माण करना है, लोगों के प्राण बचे इसलिए ऑक्सीजन की उपयुक्त व्यवस्था, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था, आवश्यक अन्य सभी व्यवस्थाएं इस समय जनता का जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इन व्यवस्थाओं में लगा रहूंगा और इसलिए आज चुनाव प्रचार के लिए आपके बीच नहीं आ पा रहा हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि भले ही मैं रोड शो में ना आ पाऊं, लेकिन आप ये मानिए कि मैं आपका हूं, आपके बीच में ही हूं। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, मैं दमोह के संपूर्ण विकास का आपको वचन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।